जिस बाग में फूल तोड़ने के लिए रोहतास गया उसी बाग के अंदर बीच बीच एक सुंदर फूल बनकर के विश्वामित्र बैठ जाता है। सजना इतिहास गवाह है कि रोहतास ने सारी बगिया को देखा, कोई फूल सुंदर नहीं था, अगर सुंदर था तो वही फूल सुंदर था जो विश्वामित्र फूल बनकर के बैठे। बागों के बीचों बीच जाकर के रोहतास ने सबसे पहले वो फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, विश्वामित्र ने बनकर के शरत रोहतास के हाथ में डंक चला, लगते ही डंक धरनी में गिर गया। हाय मां चिल्लाने लगा। बाग में माली ने बेटे की उस चीख और पुकार को सुना और दौड़ा दौड़ा आया, बेटे को पूछने लगा, रे किसका लाल है, कौन तेरा पिता है, कौन तेरी मां है और क्या तेरा गांव है। उसने बता दिया कि रामलाल ब्राह्मण की यहां मेरी दुखिया मां अपना गुजारा कर रही है जिसका नाम तारा है, जाकर के मेरी मां से खबर पहुंचा दो। माली दौड़ा दौड़ा गया, माली दौड़ा दौड़ा गया कि काशी नगरी के अंदर रामलाल ब्राह्मण के यहां कोई तारा रहती है, कि रामलाल ब्राह्मण का घर वो है। रामलाल ब्राह्मण के घर के आगे जाकर के शोर मचाया कि कोई तारा नाम की दुखियारी हो तो बाहर निकल, एक संदेशा लेकर के आया हूं। तारा दौड़ी दौड़ी आई कि क्या कह रहे हो कि आपका नाम तारा है। हां मेरा नाम तारा है, आपके बेटा है इकलौता जिसका नाम रोहतास है। कि हां आपके बेटे को बाघों के अंदर काले सर्प ने खा लिया। सजनों एकदम से पैरों तले जमी निकल गई, पछाड़ खा करके गिर गई। हाय बेटा हाय बेटा, रोती हुई बाघों में आई, अपने बेटे के तन को टटोलने लगी, कहीं सांस नजर नहीं आया। इकलौता पुत्र छाती से लगा लिया अंतिम दाह संस्कार के लिए। कहती है कि कहां दाह संस्कार करूं, कैसे दाह संस्कार करूं, मेरे पास तो कफन का भी थोड़ा है। उसी बाग से दो केले के पत्ते लिए और अपने बेटे के मृतक शरीर को केले के पत्तों में लपेट करके बांध लिया। और वो मां दुखिया बेटे को केले के पत्तों में लपेट करके चल देती है शमशान घाट की तरफ और रोती हुई क्या कहती जा रही है। आइए रागिणी दीपा चौधरी आपके बीच में एक बार जोरदार तालियां फिर हो जाए। आइए किस तरह से उरानी तारा अपने इकलौते लाल की लाश को केले के पत्तों में लपेट लेती हैं और उठाकर चल देती हैं और क्या कहने लगी। केले तोड़ी के और थी तुरंत बना ली, रानी ठा बेटे की लाश रोवती जा। Oh, yeah.
भरे गया मेरा के जीवन मन जन्म उतनी भरे गया हो मेरा के जीवन मन जन्म उतनी भरे गया हो गई पहल सुख जड़ मेरी लाल ऐसे मत जा भरा राज छुट्या दुनिया में धूम मछली में बेवारिसी काशी करता था लेकिन आज कैसा समय आया है कि तेरे लिए कफन का भी तोड़ा है मेरे पास क्योंकि किसी ने ये लिखा है प्रेमी श्रोताओं कि चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है और जब घर में हो लाश तो बारात बुरी लगती है कि चांदनी रात में बरसात
लगती है और जब घर में हो लाश तो बारात बुरी लगती है। इन झूठे अफसानों से दिल नहीं भरता प्रेमी श्रोताओं, जब दिल में हो दर्द तो हर बात बुरी लगती है, हर बात बुरी लगती है। रोने लगी वो दुखिया और अपने लाल से क्या कहने लगी, आई रागनी में कैसे तोड़ किया और किस तरह से वो दुखिया रोने लगी, क्या कहती है, लक्ष्मी चंद तक थे बड़े रे भरोसे